पता नहीं क्यों मर्द अपनी कोताहियों को माफ़ करने में बड़ा फराक दिल और औरत की कोताहियों को माफ़ करने में इतना कंजूस क्यों होता है। मन चाही औरत में खुदा ने बड़ी शफा रखी है, इसके बस छू लेने से ही मर्द की हर मुशक्क़त सहल हो जाती है, हर थकावट ज़ायल हो जाती है। मैंने ताले से सीखा है साथ निभाने का हुनर, वो टूट गया मगर इसने चाबी नहीं बदली। क्या ही अच्छा होता दुखों का अलग से एक कब्रिस्तान होता, जहाँ सब अपने अपने दुख दफन करके घर वापस लौट आते, जैसे लोग अपने मुर्दे दफनाते हैं। आपकी आंखें अक्सर वही लोग खोलते हैं जिन पर आप आंख बंद करके भरोसा करते हैं। दुख तब होता है जब हमारी नियत साफ हो और कोई हमें गलत समझे। इश्क के 40 दर्जात हैं जिनमें सबसे छोटा दर्जा अपना सर उतार के महबूब के कदमों में रखना। वो लड़का जिसे तुमने मोहब्बत में अंधा कर दिया, दिन रात मोहब्बत के कल में पढ़ाए, अपने सिवा सारी दुनिया से कट कर दिया, जिसे इस मकाम तक ले आई जहाँ इसे तुम्हारे सिवा कोई दिखाई नहीं देता, जिसे सिखाया मोहब्बत में कभी ना नहीं होती, और जब वो सब सीख गया इसे पराया कर दिया। कुछ लोग इतने साफ झूठ बोलते हैं कि इनका झूठ सच लगने लगता है। इंसान हमेशा से ही तन्हाई पसंद नहीं होता, तन्हाई इंसान की ख्वाहिश कभी नहीं हो सकती। ये तो आसपास के लोग हैं जो इसे इतना थका देते हैं, इतना डरा देते हैं कि वो इस रौनक को छोड़कर तन्हाई से रिश्ता बना लेता है। मोहब्बत लालच का दूसरा नाम है। मोहब्बत जब नहीं होती तो भली लगती है और जब होती है तो बुरी। लोग वो ही खूबसूरत होते हैं जिनसे बात करके दिल हल्का हो। मर्द जब अपने बिस्तर के लिए औरतें तलाश करता है तो इसको सबसे ज़्यादा फिक्र ये होती है कि औरत हसीन हो। वो खुद कितना ही बदसूरत क्यों ना हो मगर औरत हसीन चाहता है। निकाह से पहले वो लड़की की सूरत देख के मुतमईन हो जाता है मगर कभी इस बात पे गौर नहीं करता कि अगर औरतें भी शादी से पहले मर्द की सूरत देख लेना चाहे तो क्या गुनाह है।